राष्ट्रीय संगमनी वसूनां चिकितुषी प्रथमा यज्ञियानां तां मा देवा व्यदध पुरुत्रा भूरिस्थात्रां भूय विषयंती। भारत विक्रम, भारत वर्ष की अक्षय कीर्ति गाथा। तेजो असि तेजो मयि देहि, वीर्यम असि वीर्यम मयि देहि, बलम असि बलम मयि देहि, ओजो असि ओजो मयि देहि, मन्युर असि मन्यम मयि देहि, असि सहो मयि देहि। तेजो असि तेजो मयि देहि, वीर्यम असि वीर्यम मयि देहि, बलम असि बलम मयि देहि, ओजो असि ओजो मयि देहि, मन्युर असि मन्यम मयि देहि, सहो असि सहो मयि देहि। बहुत अच्छे बेटे, बस वैदिक प्रार्थना का अभ्यास यूं ही करते रहना है। पता नहीं, आपने कहा तो मैंने अभ्यास करना शुरू कर दिया, पर पता नहीं पिताजी, मैं इस प्रार्थना से जुड़ नहीं पा रहे हैं। ये जुड़ाव की कमी नहीं, भटकाव की अधिकता है बेटा। बताओ क्या बात है, क्या परेशान कर रहा है तुम्हें? कुछ खास नहीं। बताओ बेटा क्या बात है? बस भारतीय ऋषि वैज्ञानिक श्रृंखला के बारे में सोच रही हूँ। सैकड़ों वैज्ञानिक और उनके हजारों आविष्कार, समझ ही नहीं आ रहा कि कहां से शुरू करूं। बेटा ये श्रृंखला साधारण ज्ञान नहीं है, ये वैदिक ज्ञान है जो स्वयं तुम्हें अपना रास्ता दिखाएगा। बस जरूरत इतनी है कि तुम अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनो, अपने अध्ययन पर दृष्टि डालो। अंतरात्मा की आवाज, सच कहा। ज्ञान से जुड़ने के लिए मुझे भटकाव को कम करना होगा, अपने भीतर उतरना। तुम लोग मेरी इतनी सेवा क्यों करते हो? क्योंकि आप हमारे गुरुवर हैं। अच्छा, पर तुम्हें गुरु की क्या आवश्यकता है? गुरु से
अर्थात आपसे हमें परम ज्ञान मिलेगा, परमात्मा का ज्ञान। परमात्मा का ज्ञान? परंतु मैं तो स्वयं परमाणु भक्त हूं, जीवन भर यही समझने में लगा रहा और आज तक यही जान पाया कि यह संसार एक स्पंदन है, परमाणुओं का स्पंदन, और परमाणु अविनाशी है और उन्हीं के स्पंदन से सृष्टि का निर्माण हुआ है। यही आरंभ है और यही अंत भी है, यही आरंभ है और यही अंत भी है, यही आरंभ है और यही अंत भी है। यही आरंभ है और यही अंत, परमाणुओं के स्पंदन से ही संसार का आरंभ है। परमाणुओं से आरंभ, ये किसने कहा? महर्षि कणाद ने, जिन्होंने विज्ञान, परमाणु ऊर्जा, परमाणु को समझने समझाने में अपना सारा जीवन व्यतीत कर दिया। अच्छा, मैं भी क्या आपको बता रही हूँ, आप ही ने तो मुझे बताया था कि परमाणु सिद्धांत डाल्टन से पहले महर्षि कणाद ने दिया था। कहीं मेरे अंतरात्मा मुझसे ये तो नहीं कह रही कि मुझे भारतीय ऋषि वैज्ञानिक श्रृंखला में सबसे पहले परमाणु सिद्धांत और महर्षि कणाद के बारे में बताना चाहिए। अब प्रार्थना करके देखो, अगर जुड़ाव बढ़ गया तो समझना कि तुम सही रास्ते पर हो। ठीक, करके देखते। शुक्ल यजुर्वेद में कहा गया है कि हे ईश्वर, तू तेजस्वी है, मुझे तेज दे। तू वीरवान है, मुझे पराक्रम दे। तू बलवान है, मुझे बल दे। तू ओजपूर्ण है, मुझे ओज दे। तू अपने शत्रुओं को भस्म कर देता है, मुझे भी वो शक्ति दे। तू सहनशील है, मुझे भी सहनशील बना दे। आपकी ये सहनशीलता वाली प्रार्थना ठीक है, उसकी जरूरत पड़ेगी आपको। वो कैसे? वैसे कि अब थोड़ी बहुत शर्मिंदगी तो आपको सहनी ही पड़ेगी। शर्मिंदगी? वो इसलिए कि आपने जोश जोश में कह तो दिया कि हम भारतीय ऋषि वैज्ञानिकों पर चर्चा करेंगे, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि कोई ठोस नाम या आविष्कार है। नाम तो इतने हैं ना कि आप दोनों गिनते थक जाएंगे, और ऐसे ऐसे आविष्कार हैं कि आप दोनों के आश्चर्य की सीमा ही नहीं रहेगी। पर सोचती हूँ कि आप लोगों को सूक्ष्म से विस्तार की ओर ले चलूं। सूक्ष्म? हाँ, सूक्ष्म, छोटा, सबसे छोटा। आप कहना क्या चाह रही हैं? आज हम बात करेंगे परमाणु सिद्धांत और उसके जनक की। ओ, जॉन डाल्टन। डाल्टन, जिन्होंने 1808 में परमाणु का सिद्धांत दिया। और जहां तक हमारी जानकारी है, जॉन डाल्टन एक अंग्रेज साइंटिस्ट थे, कोई भारतीय ऋषि वैज्ञानिक नहीं थे। डाल्टन नहीं, महर्षि कणाद। कणाद? हाँ, महर्षि कणाद, जो कि एक भारतीय ऋषि वैज्ञानिक थे और परमाणु सिद्धांत के असली जनक थे। लेकिन मुझे मालूम था आप दोनों मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे। चलिए खुद ही देख लीजिए। वर्तमान में प्रचलित सत्य ये है कि द्रव्य या मैटर की प्रकृति को सबसे पहले
अंग्रेज रसायनज्ञ जॉन डाल्टन ने सन 1808 में समझाया और कहा कि सभी द्रव्य सूक्ष्म कणों से बने होते हैं जिन्हें परमाणु कहते हैं। इसी को डाल्टन सिद्धांत कहा जाता है और जॉन डाल्टन को परमाणु सिद्धांत का जनक। लेकिन सत्य ये है कि भारतीय ऋषि वैज्ञानिक महर्षि कणाद ने डाल्टन से लगभग 2400 वर्ष पूर्व यानी 543 विक्रम संवत पूर्व में अपने ग्रंथ वैशेषिक दर्शन में परमाणु के विषय में कहा था, परमाणुत्वम परिमाणवान परमाणु, अर्थात जो परम अणु परिमाण वाला हो उसे परमाणु कहते हैं, या कहें कि जो सबसे छोटे आकार वाला अणु है वही परमाणु है। आप बार बार वही बातें कर रही हैं जिन्हें आप उनसे जोड़ सके। क्या नाम है? महर्षि कणाद। हाँ वही, लेकिन पूरी जानकारी दीजिए ना। जैसे डाल्टन ने तो बहुत कुछ बताया। जैसे क्या? जैसे दो परमाणु आपस में जुड़ सकते हैं। महर्षि कणाद ने उन्हें द्विणु कहा है। और परमाणु गतिशील? नित्यम परिमंडलम। कणाद ने कहा है कि परमाणु गतिशील होता है और उसकी स्थिति परिमंडलाकार है। अलग अलग परमाणुओं का द्रव्यमान अलग है। एतेन दीर्घत्वार्हस्वित्वे व्याख्याते। अर्थात परमाणु छोटे बड़े होते हैं। क्या हुआ, आप दोनों चुप क्यों हो गए? मैं कुछ कहूं? क्या डाल्टन ने यह कहा है कि परमाणु अन्य चीजों से प्रभावित होता है? शायद नहीं। कणाद ने बताया है, विभवान महान आकाशस्तथा च आत्मा। परमाणु प्रभावित होता है उच्च ऊर्जा से, आकाश और आत्मा से। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आकाश और आत्मा महर्षि कणाद के लिए क्या है, तो आप दोनों वैशेषिक दर्शन पढ़ लीजिएगा। आप तो परमाणु सिद्धांत के पीछे ही पड़ गई। अरे भाई, वैसे भी उसमें बाद में बहुत कुछ लिखा गया, जोड़ा गया। और एक बात बताऊं आपको, वो एक काल्पनिक सिद्धांत था, उसमें कोई प्रयोग का आधार नहीं था। सही कहा, लेकिन फिर भी आप डाल्टन को परमाणु सिद्धांत का जनक कहते हैं और परमाणु सिद्धांत के पितामह महर्षि कणाद को भूल गए। द्रव्य को समझाने के लिए मात्र एक सिद्धांत देने वाले डाल्टन आपको याद है, लेकिन द्रव्य की विशेषताओं को विस्तार रूप से समझाने के लिए वैशेषिक दर्शन नाम का एक पूरा ग्रंथ लिखने वाले महर्षि कणाद आपको याद नहीं। सोचिए, आप एक ऐसे महर्षि को भूल गए जिन्होंने अपना पूरा जीवन द्रव्य को समझने में लगा दिया। पिछले अंक और भारत विक्रम के लिए उत्साहवर्धक प्रतिक्रियाओं के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। आपके द्वारा दी गई सराहना हमारा उत्साह बढ़ा रही है और आलोचनाएं हमें और बेहतर करने के लिए प्रेरित कर रही हैं। इसीलिए अपनी प्रतिक्रिया देते रहिएगा। अगले अंक में महर्षि कणाद और गति के नियमों पर उनके विचार जानने के लिए जुड़े रहिए भारत विक्रम से और देखते रहिए भारतीय ऋषि वैज्ञानिक श्रृंखला। नमस्कार। Thank you.
संगमनी वसुना चिकितुषी प्रथमा यज्ञियाना ताम मा देवा व्यदध पुरुत्रा भूरिस्थात्रां भूय विशयंती। भारत विक्रम, भारत वर्ष की अक्षय कीर्ति गाथा।